यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। विधानसभा क्षेत्र में बतौर समाज सेवक लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले कर्मठ अनूप कुमार तिवारी ने आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से भवनाथपुर वासियों के हक व अधिकार की रक्षा में सदैव आगे रहने की वचनबद्धता व्यक्त की है। बिजली समस्या को लेकर 3 दिनी धरना कार्यक्रम से लौटने पर उन्होंने कहा कि बिजली को लेकर संघर्ष यात्रा में भी मुकाम के काफी नजदीक पहुँच चुके हैं। का हर आंदोलन जन जागृति लाती है और यह आंदोलन भी परिवर्तन की नींव साबित होगी। कहा जन सहयोग से पानी सड़क बिजली और सिंचाई समस्या का डटकर मुकाबला करना है और जीत भी हासिल करनी है। श्री तिवारी ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में छलिए जन प्रतिनिधियों को जनता सबक सिखलाएगी। लेकिन सफाई के साथ यदि आप चंद मिनट उस स्टेज पे आते और पूरा जिला के लोगों को संबोधित करते कि ये लड़ाई जिला की सचमुच लड़ाई है, ये लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ, ये भी लड़ रहे हैं, सबको यार मिल के लड़ रहे हैं, तो कितना क्या प्रशासन मेरी बातें नहीं समझती या नहीं सुनती। लेकिन क्या उन्होंने किया? हमारे यहाँ दूसरे बीजेपी के नेता जो है वो भी मौन धारण किए हुए हैं। मैं इस मौन को तोड़ना चाहता हूँ, मैं इस मौन को खामोशी को तोड़कर एक नई इबादत लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे याद में गढ़वा जिला में आज तक कोई जिला लेवल पे अनशन नहीं किया,